सप्तवार व्रत कथा। एक समय की बात है जब धर्म के महान क्षेत्र परम पुण्यमय प्रयाग में, जहां गंगा और यमुना का संगम हुआ है, वहां पर सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार पाकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी भी उन मुनियों का दर्शन करने के लिए वहां आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनका विधिवत स्वागत सत्कार किए। तत्पश्चात उन महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसी से आपने व्यास जी के मुख से संपूर्ण पुराणों की विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य रूप सब कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे रत्नाकर बड़े बड़े सारभूत रत्नों का भंडार है। तीनों लोकों में भूत भविष्य वर्तमान की तथा और भी जो कोई वस्तु है वो आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से ही यहां पधारे हैं और इसी व्याज से हमारे कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं होता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का संपूर्ण वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती और हमें उसके सुनने की बारंबार इच्छा होती है। हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। हमने सुना है कि सप्ताह के सातों वारों अर्थात दिनों की भगवान शिव जी ने रचना की है और उनकी व्रत पूजा का भी विधान उन शूल पाणी देवादिदेव ने ही किया है, सो कैसे? सूत जी बोले, हे ऋषियों, अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक सादर सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्व समर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के लिए वारों की कल्पना की अर्थात दिनों को बनाया। जो भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, जो कि सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं, उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। फिर उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्व समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुहकर्ता त्रिलोक स्रष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे
संपूर्ण जगत के आयु की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। पश्चात सूर्य आदि सात ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है, भगवान शिव ने उपर्युक्त सात वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है, विष्णु वार के स्वामी बुध है, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति है, इंद्र वार के स्वामी शुक्र है और यम वार के स्वामी शनेश्चर है। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा अपने अपने फल को देने वाली होती है।